चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कि डबल मेम्ब्रेन होती है। बाहर वाली मेम्ब्रेन को हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं और अंदर वाली मेम्ब्रेन को इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। और इसके अंदर कुछ चट्टे बने हुए होते हैं, जैसे कि एक रुपये के ऊपर आप बहुत सारे सिक्के रखते चले जाएँ, इस तरह के स्टैक बोलते हैं किसी चीज़ का चट्टा लगाना, एक के ऊपर एक रखना, इस टाइप के कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। इन्हें बोलते हैं हम क्या, थाइलाकोइड। इसी थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन जो होती है, उस मेम्ब्रेन में होती है क्या, फोटोसिंथेसिस। इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगी, फोटोसिंथेसिस होगी। तो एक्चुअल में ये है साइट किसकी, फोटोसिंथेसिस की, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट में और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, इसके पास अपना डीएनए हो सकता है, अपना राइबोसोम हो सकता है, ग्रैन्यूलर स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, और भी काफ़ी चीज़ होती है। सिर्फ हमें यह पढ़ना था यहाँ पर थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। ये सारी रिएक्शन जो लाइट रिएक्शन है वो कहाँ होगी, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में होगी। चलिए अब बात करते हैं लाइट रिएक्शन में। हम लाइट रिएक्शन में पढ़ेंगे जेड स्कीम। तो जेड स्कीम इसे क्यों कहते हैं, जेड स्कीम इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखने में ये इंग्लिश अल्फाबेट जेड की तरह नजर आती है, शायद आपको यहां भी ऐसे ही दिख रही होगी, इसलिए इसको नाम दिया गया जेड स्कीम। इसका एक और नाम है जो हम इसको कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। लंबा सा नाम है फोटोफॉस्फोराइलेशन, थोड़ा साइंटिफिक नेम टाइप इसका। इसमें दो तरह के फोटोफॉस्फोराइलेशन हो सकते हैं, एक तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, दूसरा है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी ये शायद, लेकिन आपको इतना आसान कर दूंगा मैं इसे कि आपको एक बार में इतना समझ में आ जाएगी कि आप इसको किसी दूसरे इंसान को भी समझा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जेड स्कीम से, इसमें क्या चीजें हैं, कैसे ये वर्क करता है। सबसे पहले देखिए जेड स्कीम या फिर फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसमें दो सिस्टम मौजूद होते हैं। सिस्टम का आप चाहे तो इसको अपने याद रखने के लिए ऐसे इसको ध्यान में रख सकते हैं कि दो डिपार्टमेंट हैं। एक डिपार्टमेंट वर्क करता है 680 नैनोमीटर की लाइट के ऊपर, जिसकी वेवलेंथ 680 है नैनोमीटर लाइट की। एक डिपार्टमेंट वर्क करता है 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट के ऊपर। एक डिपार्टमेंट को हमने नाम दिया है फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि वो फोटो सिंथेसिस कर रहा है, तो उस सिस्टम को नाम दे दिया फोटो सिस्टम। तो फोटो सिस्टम 2 वर्क करता है 680 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट के ऊपर, और फोटो सिस्टम वर्क 1 वर्क करता है 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट के ऊपर। इनके आगे मैंने कुछ कॉम्पोनेंट्स बनाए हुए हैं यहाँ, ये वही है क्या, एक्सेसरी पिगमेंट। एक्सेसरी पिगमेंट हैं जो कि लाइट एब्जॉर्ब करके फोटो सिस्टम में आगे भेजेंगे। सूरज से तो हर तरह की लाइट आएगी, 1000 नैनोमीटर की भी आएगी, 800 नैनोमीटर की भी आएगी, लेकिन ये एक्सेसरी पिगमेंट जो हैं सिर्फ 680 नैनोमीटर की लाइट को ही पिक करेंगे और फोटो सिस्टम के पास भेजेंगे। यहाँ के जो एक्सेसरी पिगमेंट है सिर्फ 700 नैनोमीटर की लाइट को पिक करेंगे और फोटो सिस्टम 1 के पास भेजेंगे। तो इनका मेन फंक्शन ये होता है। अब बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हो गया आपका सन, सूरज। ओके, यहां से लाइट आई, लाइट, और ये लाइट जो थी फोटो सिस्टम सेकेंड में 680 नैनोमीटर वेवलेंथ के ऊपर वाली जो लाइट थी वो इसने एब्जॉर्ब करी और इस फोटो सिस्टम में भेजी। जैसे ही ये लाइट इसके ऊपर पड़ी, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन जो था वो अपनी ग्राउंड स्टेट से निकला और आगे दौड़ लगा दी, आगे चला गया। मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो था इस लाइट एनर्जी की वजह से, इस ये इतनी एनर्जी थी लाइट की कि इसने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल दिया और वो अपनी ग्राउंड स्टेट से निकलकर अनस्टेबल स्टेट में चला गया, जिसे हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन आगे एक्साइटेड स्टेट में गया, वहाँ पर एक केमिकल कंपाउंड मौजूद था जिसका नाम था फेओफाइटिन। नाम थोड़े से अजीब लग सकते हैं आपको, लेकिन याद रखिएगा। तो फेओफाइटिन जो था वो पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है किसमें, फोटोफॉस्फोराइलेशन या फिर जेड स्कीम में। इसको बोलते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है जेड स्कीम में, तो कौन सा होता है, फेओफाइटिन। उसके बाद ये फेओफाइटिन से इलेक्ट्रॉन फिर आगे चला जाएगा और दूसरा एक मॉलिक्यूल जिसका नाम है प्लास्टोक्विनोन, इसके पास जाएगा। प्लास्टोक्विनोन या क्विनोन जो है वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है Z
जेड स्कीम में, प्राइमरी पहला, सेकेंडरी दूसरा, उसके बाद कई सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आते हैं और उनमें जब साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F, इनके शॉर्ट फॉर्म में नाम लिख रखे हैं मैंने, C4 साइटोक्रोम और B6 साइटोक्रोम F, जब इनके पास में ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो इन यहाँ पर मौजूद होते हैं एक ADP और IP, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इनको क्रॉस करेगा, ये ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके एक एनर्जी करेंसी बनाएंगे जिसे हम कहते हैं क्या, ATP, एडिनोजीन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ से एक ATP मॉलिक्यूल बनेगा, किसके बीच में बनेगा, साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के बीच में बनेगा, ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन फिर से जो था आगे ट्रांसफर हो जाएगा एक दूसरे मॉलिक्यूल के पास जिसका नाम है प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन के बाद ये मॉलिक्यूल एंटर कर जाएगा फोटोसिस्टम 1 में। देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला था, यहाँ गया प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6, प्लास्टोसाइनिन और फोटोसिस्टम 1, वापस तो नहीं गया वहां पर। तो इस तरह की जो ये साइकिल है, बेसिकली साइकिल पूरी नहीं हुई, अधूरी रह गई, तो हम इसको बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। मतलब साइकिल पूरी नहीं हुई तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, या फिर ये शुरू होती है फोटोसिस्टम 2 से। अच्छा, अब ये आधी हो गई। अब मैं कह रहा हूं बार बार कि यहां पर इसके जो है पिताजी ने गोदाम लगा रखा है क्या, कि लाइट पड़ रही है और ये बार बार इलेक्ट्रॉन को भेज रहा है, आगे भेज रहा है। कहाँ से आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, क्या सोर्स है इलेक्ट्रॉन की, इसके पास फैक्ट्री है क्या इलेक्ट्रॉन की? आप भी इतना कॉमन सेंस नहीं लगाते, पूछना चाहिए था क्वेश्चन कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है बार बार जो आगे जा रहा है, तो ये कहाँ से आ रहा है? देखिए यहाँ पर मैंने रिएक्शन लिखी हुई है, H2O CO2, यानी कि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके बनाएंगे ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला है C6H12O6, और यहाँ पर बाहर निकलेगी क्या, ऑक्सीजन जो है बाहर निकल जाएगी, जिसे हम सांस के द्वारा अंदर लेते हैं। क्वेश्चन ये पूछा था मैंने, ये ऑक्सीजन कहाँ से आती है, और अब एक क्वेश्चन ये है कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें जो ये है, चलिए बात करते हैं हम उस चीज़ की, अपना मेन इन दोनों क्वेश्चन के आंसर की। H2O, ये है हमारे पास में एक पानी का मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल तो लाखों करोड़ होंगे जब फोटोसिंथेसिस होगी, लेकिन हम बात करते हैं सिर्फ एक की। जब हम इस पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा, दो तो मिलेंगे हमें हाइड्रोजन, ओके, प्रोटॉन जिन्हें हम कहते हैं, दो तो प्रोटॉन मिलेंगे अगर हम इसका ब्रेक डाउन करते हैं तो, प्लस हमें हाफ ऑक्सीजन मिलेगा। हाफ क्यों मिलेगा, क्योंकि इस तरह से होता है वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, कुछ आपका ऑक्सीजन होती है एक तरफ, हाइड्रोजन और एक तरफ, हाइड्रोजन ये इसके साथ कभी बॉन्ड बना रहा होता है, कभी इसके साथ बॉन्ड बना रहा होता है, तो इस तरह का हमें ऑक्सीजन मिलेगा। जितने प्रोटॉन होते हैं ये हमें मालूम है कि उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, बिना इलेक्ट्रॉन के प्रोटॉन नहीं हो सकते, जब तक दोनों का बराबर नंबर होता है तभी वो एग्जिस्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये मैसअप हो गई चीज़, लेकिन याद रखिएगा दो प्रोटॉन हैं हमारे पास में तो दो इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो जैसे ही पानी का मॉलिक्यूल प्लांट के अंदर जाएगा, वहाँ पर क्लोरोफिल की मदद से और सनलाइट की मदद से ये पानी का मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल जो था, ये ब्रेक हो जाएगा, एकदम टूट जाएगा, और टूट के कितने हिस्सों में बनेगा, दो प्रोटॉन बनेंगे, जिससे जनरेट होगा प्रोटॉन ग्रेडियंट। आप केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में उसे पढ़ेंगे, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, इससे प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट होगा, और जो ये इलेक्ट्रॉन है ये एंटर कर जाएगा किसमें, फोटो सिस्टम में, और जो बचा हुआ ऑक्सीजन है उसको प्लांट बाय प्रोडक्ट की तरह बाहर निकाल देगा, और इसका हम इस्तेमाल करते हैं सांस लेने में। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे बहुत आसानी के साथ। आप देख रहे हो कितना कॉम्प्लिकेटेड सी लग रही है चीज़ें, लेकिन बहुत आसान है, मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। बात करते हैं हम फोटो सिस्टम 1 की। जब लाइट, इसके ऊपर भी लाइट पड़ेगी, यहां पर भी लाइट आई, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन तो यहां से आ गया था, जैसे ही लाइट पड़ेगी ये इलेक्ट्रॉन फिर से निकल के भागेगा, यहां से ये इलेक्ट्रॉन फिर से निकल के भागेगा आगे की तरफ, और ये इलेक्ट्रॉन जाएगा जब एक्साइटेड स्टेट में, तो यहां पर मौजूद होता है एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जिसका नाम है फेरोडॉक्सिन, FD लिखा है मैंने यहाँ पर, फेरोडॉक्सिन। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इसके आगे अगर यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है FRS,
फेरोडोक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। इसका नाम एक्चुअल में अभी डिस्कवर नहीं हो पाया है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ चीज़ें मालूम नहीं है, लेकिन इतना पता है कि ये सब्सटेंस जो है फेरोडोक्सिन को रिड्यूस कर देता है। तो यहाँ पर अगर ये मौजूद होगा तो यहाँ पर दो NADH के मोलिक्यूल जो थे वो कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, NADPH में, NADPH में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आएगा, ये इलेक्ट्रॉन आएगा और ये मौजूद हुआ तभी ऐसा होगा। NADP किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADPH में, और यहाँ पर ये वाला ATP और ये वाला NADH आगे रिएक्शन में चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। चलिए ये बात हो गई, अब बात करते हैं क्या क्या होगा अगर यहाँ पर ये मौजूद ना हुआ तो, एबसेंट हुआ फेरोडोक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, उस केस में ये इलेक्ट्रॉन जो है सिंपली कहाँ जाएगा, वापस ट्रांसफ़र करके इसके पास चला जाएगा। मैंने यहाँ से ये लाइन डायरेक्ट बना दिया, आप कन्फ्यूज मत होना, इसके पास चला जाएगा। जैसे ही इसके पास जाएगा साइटोक्रोम B6 साइटोक्रोम F के पास में, तुरंत फिर से ATP मॉलिक्यूल बनेगी और ये फिर से इधर चला आएगा, फिर से ऐसे आ जाएगा। यहाँ इस केस में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो था वो वापस चला गया इसके पास, फिर ऐसे घूम के फिर वापस आ गया, अगर यहाँ पर ये मौजूद नहीं है तो। इस प्रोसेस को बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, साइक्लिक भी, नॉन साइक्लिक भी, जेड स्कीम भी, वाटर स्प्लिटिंग भी, ऑक्सीजन कौन सी लेते हैं हम, जो प्लांट से निकलती है वो कहाँ से आती है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है, फोटोसिस्टम कैसे वर्क करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो भाई गुरु दक्षिणा के तौर पर लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को भी शेयर कर देना। आज के वीडियो में इतना ही।